एमएलए दुर्गादास साहब, सरपंच साहिबान, जी इज्जत शहरी, हमारे शहीद साथी पवन कुमार की माता जी, मेरे पुलिस के साथी डीवाइस मीडिया शबीर सिंह बाहू साहब, SHO भगवान राकेश साहब, रिटायर्ड DOSP साहब, मैं आप सबको इस प्रोग्राम में श्रद्धांजलि दिवस में शिरकत करने के लिए सबका आभारी हूँ। आज ये प्रोग्राम हम अपने सपूत शहीद पवन कुमार साहब की याद में हर वर्ष मनाते हैं। उन्होंने दागर बनी में जब आतंकवादियों ने एक ग्रेनेड अटैक किया था, उसने उस अटैक को फाइल करते करते अपनी जान निशावर की थी। उनकी इस बहादुरी को हमें हमेशा याद करते हैं इसी शहीदी दिवस पे। मैं इस मौके पे उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और ये आपको बताना चाहता हूँ कि शहीद हमेशा जिंदा होते हैं। जिंदा क्यों होते हैं मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि उनसे हमें, उनकी शहादत से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम देश की खिदमत करें और देश दुश्मन ताकतों का मुकाबला करें। ये हमें रिजर्व भी हमारे अंदर पैदा करता है, संकल्प पैदा करता है कि हमने देश की खिदमत करनी है। और ये बाकी जो जवान साथी हैं, छोटे हैं, उनमें भी एक जज्बा पैदा करता है कि हमने बड़े होके इस देश की खिदमत करनी है। मैं आदरणीय शहीद पवन कुमार जी की माता जी को शत शत नमन करता हूँ कि उन्होंने ऐसा वीर सपूत पैदा किया। उसकी शहादत से का ही ये नतीजा है कि आज हालात जो पहले 90s में हुआ करते थे या 2000 की दहाई में हुआ करते थे, वैसे हालात नहीं है। अगर तो दुश्मन जो है साजिशें कर रहा है, लेकिन हालात काफी हद तक ठीक है। इसका सारा श्रेय जो है इन्हीं शहीदों को जाता है। मैं इस मौके पे शहीद परिवार को ये आश्वासन देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा कि दुर्गादास जी सुभद्रा साहब बोल रहे थे कि इनकी फैमिली में भी काफी लोग पुलिस में हैं, इनके पिताजी भी पुलिस में थे, तो ये हमारी पुलिस का अंग है। हम हमेशा इनके साथ रहेंगे, हमारे दरवाजे खुले रहेंगे।